डायनामाइट न्यूज के साथ इस समय आधी रात को संसद भवन में बात करने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। अनुराग जी, अभी आप प्रधानमंत्री जी के साथ थे, आधी रात में महिला सांसदों ने उनको शुभकामनाएं दी, धन्यवाद दी, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं जो लंबे वक्त से चला आ रहा था लेकिन आज तक महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया था, अंततः पास हो गया, कैसे इस यात्रा को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं देश की मातृशक्ति को, देखिए मैडम स्मृति ईरानी इस समय हमारे साथ हैं और अनुराग सिंह ठाकुर जी को लड्डू खिला रही हैं। स्मृति ईरानी जी, अनुराग जी हम लोगों की बातचीत इस मुद्दे पर भी मैंने और अनुराग ने कई आंदोलन किए थे, तो आज बहनों के लिए तो उत्सव है, भाई भी क्यों पीछे छूटते हैं। अनुराग जी आप कैसे इस यात्रा को देख रहे हैं? मुझे लगता है ये ऐसा ऐतिहासिक पल हम सबके जीवन में आया है, जो कोई और नहीं कर पाया वो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। महिलाओं का कल्याण भी हुआ, अब महिला नेतृत्व विकास, ये जो हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं वो सुनिश्चित होगा। 33% आरक्षण संसद और विधानसभाओं में, क्योंकि आज वो पल आया है। अगर एक लाइन में कहें, इससे सबसे बड़ा बदलाव आप आने वाले समय में भारतीय राजनीति में क्या देखते हैं अनुराग जी? मैं महिलाओं की भूमिका नीति निर्माण में देखता हूँ, गरीबों के कल्याण में और भारत को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो आधी रात को संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इनको लड्डू खिलाया और अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे भारतीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और महिला शक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कैमरामैन सतीश वर्मा और अपने सहयोगी सुभाष रतुड़ी के साथ मनोज टिबड़ेवाल, आकाश, डायनामाइट न्यूज, संसद भवन, नई दिल्ली।